किया था, कुछ कार्रवाई हुई है सर? क्या मिली थी, क्या मिला था वहाँ पे दिक्कतें? 21 तारीख को 10:30 से 11 बजे के बीच में मेरे द्वारा भीटी तहसील के जो धरारा गांव में बनी हुई जो गौशाला है, वृहद गौशाला, वहाँ का निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण के समय SDM भीटी जो वहाँ के BDO कटेरी हैं वो मौके पर मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ये पाया गया कि जो हरा चारा वहाँ पे मौजूद था, लेकिन भूसे में वहाँ पर हरा चारा नहीं मिलाया जा रहा था। और पूछने में मालूम चला कि वहाँ जो जानवरों को, जो गौवंश को जो चारा दिया जाता है वो समय से नहीं दिया जा रहा है। और मौके पर कुछ गंदगी भी वगैरह की व्यवस्था रही। एक जो नंदी और जो गौवंश दोनों को अलग अलग नहीं रखा गया था, बाड़े दोनों के अलग अलग बने हैं, लेकिन दोनों एक ही साथ खाना खा रहे थे, इसलिए कि इनको कहा जाता है कि अलग अलग रखें, इससे कि आपस में किसी प्रकार का लड़ने ना पाए। तो जो कमियां पाए जाने पर और जो वहां पर लोकल और लोगों से वार्ता हुई, जो वहां के वेटरनरी डॉक्टर साहब थे उनसे जो वार्ता हुई, उनसे इस निष्कर्ष में पहुँचा कि जो वहाँ पर स्थानीय अधिकारी हैं, निश्चित रूप से उनकी भूमिका जो है वो संतोषजनक नहीं है। और इसी के लिए जो वहाँ पर तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी, उनके विरुद्ध जो है सस्पेंशन की कार्रवाई DPRO के द्वारा अमल में लाई गई है। साथ ही साथ संबंधित जो ग्राम पंचायत के जो अन्य जिम्मेदार लोग हैं जिनके ऊपर वहाँ उस गौशाला की जिम्मेदारी थी, उनकी जवाबदेही तय की जा रही है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ही आज पूरे जनपद में जितनी भी हमारी बनी हुई वृहद और अस्थाई गौशालाएँ हैं, सभी जगह पर SDM को, BDO को भेजकर निरीक्षण कराया जा रहा है। अभी मेरे द्वारा खुद भी जाकर मैंने अभी एक निरीक्षण किया नगरपालिका क्षेत्र में, जहाँ पर EO और हमारे SDM साहब जो प्रभारीकारी हैं वो मौके पर मौजूद थे। और वहाँ पर भी जाने पर बाकी व्यवस्थाएँ तो उचित थी, लेकिन जो गोबर काफ़ी इकट्ठा हो गया था तो उसको तत्काल हटाकर उसको किसानों को देने के लिए, या उनको जो है जो हमारे नगर पालिका के पार्क है वहाँ पर कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए हैं। जो आज पूरे जनपद में निरीक्षण कराए जा रहे हैं उसमें स्पष्ट और एकदम दृढ़ निर्देश दिए गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है जो निराश्रित गौवंश का संरक्षण। और उसमें अगर कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी या कर्मचारी होगा और ये पाया जाएगा कि उसके द्वारा इन निर्देशों की, इन आदेशों की अवहेलना की जा रही है और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ़ जो है कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसके लिए स्पष्ट रूप से जितने वहाँ पे SDM हैं, जो BDO हैं, जो वेटरनरी ऑफिसर हैं, जो वहाँ के प्रधान जी हैं, जो वहाँ के पंचायत के सेक्रेटरी हैं, सबको जिम्मेदारी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हर तहसील में, हर ब्लॉक में जहाँ जहाँ ये गौशालाएँ बनी हुई हैं वहाँ पर जो आदेश दिया गया था कि 45 दिन का गोचर भूमि पर जो हमारी नेपियर ग्रास है उसको लगाए जाने का अभियान भी चल रहा है, तो उसके भी एक रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं, फोटोग्राफ्स मांगे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे चरी, बरसीम या नेपियर घास लगा दी गई है और उनको काट के प्रतिदिन भूसे के साथ मिलाकर गौवंशों को चारा के रूप में दिया जा रहा है। ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में लगातार ये निरीक्षण अभियान चलता रहेगा और कोशिश है कि हमारे यहाँ की जो पूरी व्यवस्थाएँ हैं गौवंश से जुड़ी हुई, जो हमारे वृहद और अस्थायी गौशालाएँ हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी न होने पाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।